सर, थोड़ा ठीक से चेक कीजिए ना साइड से। सर एक काम करो, आप बाहर जाके वेट करो, मैम के कुछ टेस्ट करने होंगे। बाहर? बाहर क्यों? जो टेस्ट करने मेरे सामने ही करो। क्योंकि सर हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं, हम टेस्ट करते वक्त किसी भी पर्सन को एंट्री नहीं करते। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी करना। हेल्प? ऐसे कौन हेल्प मांगता है? सर सॉरी, माना कि मेरा हेल्प मांगने का तरीका गलत है, बट मैं क्या करूं? आप ही बताइए ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब सर आपको क्या ही बताऊं, ये मेरे हस्बैंड है ना, पता है मेरा टेस्ट क्यों कराना चाहता है? क्योंकि मेरे पेट में जो बच्चा है ना उसका अबॉर्शन कराना चाहता है। इतना घटिया इंसान है, लेकिन ये अबॉर्शन क्यों कराना चाहता है? किसी वकील ने उसे भड़का दिया कि जब उसका बच्चा हो जाएगा तो उसे मेरा और मेरे बच्चे का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ तक कि सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, इसीलिए वो मेरे बच्चे को मारना चाहता है। तो तुम एक काम करो, कोर्ट में अपील करो कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती, जिससे आपका बच्चा भी सेफ रहेगा। क्या डिवोर्स? सर आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है ना आज के टाइम में सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी जब पता चलेगा कि मैं डिवोर्सी हूँ। तुम उसे शादी तक नहीं करेगा, मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा एक काम करो, तुम अपने हस्बैंड को बुलाओ और उनसे बोलो मैं डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। सर मैं डिवोर्स नहीं ले सकती, अगर मैंने उससे डिवोर्स ले लिया मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी और खुद का खर्चा कैसे चलाऊंगी? आप खुद बताओ ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। तुम अपने पति को बुलाओ और बोलो कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती, मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ। पर सर क्यों, मैं ऐसा क्यों करूंगी, आप खुद बताओ ना। मैं आपका और आपके बच्चे का ख्याल रखूंगा, मैं उठाऊंगा खर्च। क्या? पर आप मेरे बच्चे का ध्यान क्यों रखोगे? मुझे भी एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। दरअसल देखो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें कि एक बार मैं और मेरी वाइफ हम कहीं से आ रहे थे, रास्ते में एक हादसा हो गया जिसमें मेरी वाइफ ये दुनिया छोड़कर चली गई। उसकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे भी एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है और उसके लिए तुम परफेक्ट हो, क्योंकि तुम्हें भी शादी की ज़रूरत है और मुझे लाइफ पार्टनर की। मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूँगा। आप मेरे बच्चे को अपना नाम दोगे? हाँ। थैंक यू सर, आप कितने अच्छे हो। ठीक है, जैसा आप बोलते हो मैं वैसा करती हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, हो गए टेस्ट? हाँ सर, सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी वाइफ अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती। क्या बोला आपने? अबॉर्शन नहीं कराना चाहती? अबॉर्शन तो तुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरे इस बच्चे को मैं नहीं पाल सकता और न तुम दोनों का खर्चा दूंगा। हाँ मैं अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, और रही बात मेरे बच्चे की तो मैं उसे खुद पाल लूंगी, मैं मेहनत करूंगी और पैसा कमाऊंगी और अपने बच्चे को पाल लूंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें। अच्छा हुआ, मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए था, और वो भी बिना किसी डिमांड के। मुझे तलाक मिल रहा है और तुमसे छुटकारा। मिलते अब कोर्ट में, वो भी बिना किसी डिमांड के। अच्छा सुनो, ये लो मेरा कार्ड, कॉल करना और टेंशन मत लेना, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। थैंक यू।